मनिंदर सिंह, आपको आर्गस न्यूज में स्वागत है। पहले तो आपको मैं कंग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि आप जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप टीम इंडिया में सिलेक्ट हुए हैं। मतलब आपको जब ये न्यूज मिला कि आपका नाम टीम इंडिया में सिलेक्ट हुआ है जूनियर में, तो पहला रिएक्शन क्या था? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर फॉर द ब्यूटीफुल इंटरप्रिटेशन। हाँ जी, बहुत बड़ी बात होती है यार जब कभी भी है ना किसी प्लेयर को पता लगता है कि उसका वर्ल्ड कप में नाम आया, तो वैसे ही मेरे लिए भी ये बहुत बड़ी न्यूज थी कि बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई वाज सिलेक्टिंग एन इंटरनेशनल टीम फॉर अ वर्ल्ड कप। तो यस सर, ये बड़ी बात थी मेरे लिए बहुत ज्यादा। जी, अभी मतलब भुवनेश्वर में मैं वर्ल्ड कप हॉकी हो रहा है, तो आप अभी ट्रेनिंग के लिए भुवनेश्वर आ चुके हैं? हाँ जी सर, हम भुवनेश्वर पहुंच चुके हैं। हाँ जी तो मतलब मनिंदर जी, आप हॉकी में कैसे इंटरेस्ट आया, स्कूल के टाइम से या बचपन से ही? एक्चुअली सर, मेरा बड़े भाई थे, हैं वो अभी खेलते थे पहले, तो वो खेलते थे, उनको देख के सर मैं उनके साथ ग्राउंड जाने लगा। तो वो स्टार्टिंग में थोड़ा सा है ना मैं उनको देखता था, तो धीरे 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 चलो इंटरेस्ट बिल्ड होता रहा। तो मतलब बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आज सारा कुछ चलो बढ़िया चल रहा है ना। तो ये कहते हैं कि हॉकी में जो खेलते हैं, पढ़ाई हॉकी दो एक साथ कैसे चला? मतलब हॉकी में टाइम ज्यादा देना पड़ता होगा शायद। हाँ जी सर, ना मतलब एज कम्पेयर टू द अदर चिल्ड्रन तो थोड़ी सी मुश्किल होती है हर स्पोर्ट्समैन की लाइफ, तो जी ऐसे ही सर थोड़ा टाइम मैनेज करना पड़ता है। लेकिन हाँ, स्टडीज भी जरूरी है सर, क्योंकि जी अगर इफ यू वांट टू बी अ गुड पर्सन इन लाइफ तो अपने को स्टडी भी सर चाहिए ना। तो हाँ जी, मैनेज करना पड़ा, जैसे कि सुबह अपना प्रैक्टिस होती थी, उसके बाद हम स्कूल जाते थे, और स्कूल से आके वही देख लो अपना आधा घंटा घंटे का एक नैप लेते थे, तो उसके बाद फिर हम अपना वही डेली रूटीन पे है ना ग्राउंड जाना। तो हाँ जी सर, ठीक था, बढ़िया था जैसे भी था, लेकिन हाँ स्टडी मैनेज करनी पड़ती है सर, वो जरूरी चीज है मेरे हिसाब से। तो जी तो आपके प्रोफाइल हम देख रहे थे कि आप चंडीगढ़ हॉकी एकेडमी से आए, वहां से और भी बहुत से प्लेयर टीम इंडिया को सीनियर लेवल पर रिप्रेजेंट कर चुके हैं, तो आपका फ्यूचर एम क्या है, जूनियर हॉकी के बाद सीनियर टीम में सिलेक्ट होना क्या? सर, सभी का यही प्लान होता कि अगर हम अब इंडिया टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, चलो हम अभी मतलब जैसे कि हम इंडिया टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं काफी टाइम से, तो हमारा यही है कि मोटिव कि हमें आगे जाके भी इंडिया टीम को ही रिप्रेजेंट करना है, दैट वी विल मेक आर कंट्री प्राउड। तो सर, हर एथलीट का यही होता है, मतलब हर एथलीट का यही होता है ना कि वो अपने इंडिया मतलब इंडियन हॉकी टीम लगा लो, चाहे कोई भी एथलीट लगा लो, सब चाहते हैं कि अपने देश को सर्व करें। तो सर वही मेरा भी है ना फ्यूचर प्लान है कि मतलब मैं अपने देश को सर्व कर सकूं। जी, तो उड़ीसा में पता होगा कि 3 उड़िया प्लेयर्स भी आपके टीम में है, तो उड़ीसा के बहुत से जी लोग हॉकी के बड़े दीवाने हैं, क्रिकेट को छोड़कर वो हॉकी ज्यादा देखते हैं, तो उड़ीसा के जो फैंस लोग हैं जो आपको पहचानने लगे कि आप उड़ीसा है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई थैंक्स टू ओडिशा, ओडिशा है ना जितने भी ओडिशा के लोग हैं, अपने उड़ीसा के सीएम है सर, मैं उनका भी बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ कि दे ऑलवेज सपोर्ट हॉकी एंड द पर्सन फ्रॉम उड़ीसा दे ऑलवेज सपोर्ट हॉकी। एंड सर, आई एम बिग फैन ऑफ उड़ीसा पीपल्स है ना, पीपल्स और जो मतलब हॉकी को इतना प्यार देते हैं, तो सर हमारे दिल में उड़ीसा के लोगों के लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है, तो हम भी उतना ही प्यार करते हैं जितना उड़ीसा वाले हमको करते हैं। जो हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था तो सबको लगता है कि इंडियन टीम स्ट्रांग है, इस बार भी इंडिया ही टाइटल उठाएगी, तो क्या लगता है आपको, प्रिपरेशन कैसे चल रहा है? प्रिपरेशन इज गोइंग गुड भैया है ना, मतलब जैसे बहुत सारे कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं लड़के जितने भी हैं, सारे मतलब अपना 100% देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमको काफी टाइम हो गया है नेशनल कैंप में, हम सारे मेहनत कर रहे हैं, तो डेफिनेटली सर हम बढ़िया करेंगे और देश को प्राउड फील कराएंगे। जी, देश भी मतलब सारे चाहते भी है कि इंडिया फिर से वर्ल्ड कप। क्या लगता है इस बार आपको कि कौन सी टीम स्ट्रांग टीम कौन सी लगती है आपको? सारी टीम स्ट्रॉन्ग है, हम किसी को लाइटली नहीं ले सकते, जैसे सारी टीम ही क्वालिफाई करके आ रही है ना, तो सारे अपने अपने जगह से अपने अपने है ना उधर से क्वालिफाई करके आ रहे हैं, तो कोई भी टीम लूज तो है ही नहीं बिल्कुल, तो और ना ही हम उनको लूज ले सकते हैं, तो सारी ही टीमें इक्वली हमारे लिए कॉम्पिटिशन है, और सारे ही
हमारे लिए सर, है ना, मतलब सारे मैच ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। मनिंदर आप इस बार फॉरवर्ड्स में है तो हमें लगता है कि अटैकिंग खेल देखने को मिलेगा। हाँ जी, हाँ जी, मेरी नेचुरल गेम भी अटैकिंग है, जैसे है ना, मेरे को अच्छा लगता है अटैकिंग करना, तो डेफिनेटली जब मेरे को मौका मिलेगा मैं पूरा मतलब बढ़िया करके करने की कोशिश करूंगा अपने तरफ से, जो कि मेरे लिए मैं जितना कर सकूं, क्योंकि मेरा देश मेरे पे प्राउड करे। मनिंदर आप शायद 2-3 दिन से भुवनेश्वर आ चुके हैं टीम के साथ, तो बाहर जाना तो होता रहता होगा। कैसा लग रहा है भुवनेश्वर में? भुवनेश्वर बहुत अच्छी प्लेस है, मतलब मेरे को बहुत मतलब अच्छी लगी है ना, तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि बहुत अच्छी जगह है, मतलब उड़ीसा ही सारा अच्छा है, लेकिन हम अभी भुवनेश्वर में रह रहे हैं, तो जितना अभी तक मैंने ऑब्जर्व किया है, भुवनेश्वर इज वंडरफुल। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनिंदर जी हमसे बात करने के लिए ऑर्गस न्यूज से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम चाहते हैं थैंक यू कि सो इस मच। बार जी हम चाहते हैं कि इस बार वर्ल्ड कप इंडिया ही लाए। थैंक यू फॉर योर विशिंग एंड आई ऑलवेज मतलब थैंकफुल टू यू एंड आई ऑलवेज नीड योर सपोर्ट, और मैं थैंक यू करना चाहूंगा अर्गस न्यूज का कि उन्होंने मेरे मेरी इंटरव्यू की और मेरे को बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच।